हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से परेशान है, डार्क स्पॉट्स चेहरे पे आ गए हैं और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं पे कम हो रहा है, तो चेहरे पर स्माइल लाइए और ये वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपर पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम के बारे में, ये कैसे होता है, उसके लिए रेमेडी क्या क्या यूज कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बिकॉज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक मैजिकल फेस पैक, एक मैजिकल हैक, जिसको यूज करने के बाद में स्किन के ऊपर के जो स्पॉट्स है, डार्क पिगमेंटेशन के, हाइपर पिगमेंटेशन के स्पॉट्स है, ये आपके गायब होने वाले हैं और 100% गायब होने वाले हैं अगर कंसिस्टेंसी के साथ में आप उसको यूज करोगे तो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमर गोप्टे और मैं हूँ अनु गोप्टे, ब्यूटी टिप्स विद अमर एंड अनु के आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का दिल से वेलकम है। तो गाइस, पिगमेंटेशन को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? पिगमेंटेशन मोस्टली देखा जाता है आपके फोरहेड के एरिया पर, आपके चिक बोन के एरिया पर, नोज पर, आपके चिन पर, लिप्स के वहाँ पर, या फिर कभी कभी नेक पर भी हो सकता है। वो दिखता कैसे है, आप कैसे उसे पहचान सकते हैं कि एग्जैक्टली वो पिगमेंटेशन है? ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, कभी कभी ब्लैक कलर के भी स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं पूरे आपके चिकबोन के एरिया से, वहाँ से स्टार्ट होते होते पूरे आपके फेस को कवर कर जाते हैं। तो यूजुअली ये स्पॉट्स जो होते हैं, पिंपल्स और पिगमेंटेशन दोनों में डिफरेंस है। अभी पिंपल के जो स्पॉट्स होते हैं वो दाने दाने आते हैं, लेकिन पिगमेंटेशन के जो दोस्तों स्पॉट्स होते हैं ना, वो एक ही जगह पे जमा हो जाते हैं। तो यूजुअली जब आप 30 प्लस क्रॉस कर जाते हो तो 30 प्लस की एज के ग्रुप में ज्यादा करके पिगमेंटेशन स्किन के ऊपर आता है, डार्क स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं और उसकी वजह से कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है, हम कॉन्शियस हो जाते हैं ज्यादा अपने ही माइंड में कि कोई हमारे पिगमेंटेशन के स्पॉट्स को टोक ना दे, रोक ना दे या पूछ ना ले कि आपके चेहरे पर एग्जैक्टली ये हुआ क्या है और उसे हम कैसे जवाब दें। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारे माइंड में आता है, लेकिन उस कंसर्न को हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं, आपके चेहरे पर स्माइल लाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्यूटी टिप्स चाहिए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो नीचे जो रेड कलर का बटन है ना, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, साइड में नोटिफिकेशन का एक बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा, तो जैसे ही हम नए नए वीडियोस अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो पिगमेंटेशन आपको एक दिन में नहीं होता है, जैसे हम सन में गए डैमेज हो गया, स्किन टैनिंग हो गया, आज हम सन में घूमे बाहर धूप में, दूसरे दिन आपको आपकी स्किन टैनिंग हो गई, वैसे पिगमेंटेशन का है नहीं, वो धीरे धीरे करके आपके स्किन के ऊपर डेवलप होता है। तो अगर आपने इसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कि आप पिगमेंटेशन आपके चेहरे पे हो रहा है, तो उसका रेमेडी अगर आप प्रॉपरली यूज करते हो तो उसे कंट्रोल भी आप कर सकते हो, तो पिगमेंटेशन एक्चुअली कंट्रोल भी हो सकता है। बट इसको कंट्रोल करने के लिए या इसको पूरी तरह से निकालने के लिए कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमेशा हम दोनों यही कहते हैं कि कोई भी रेमेडी, कोई भी हैक अगर आप यूज करने वाले हो तो उसको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपने एक दिन के लिए कुछ भी यूज कर लिया और ऐसा आपने सोच लिया कि ये एक दिन मैंने यूज कर लिया है तो अभी मेरा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी अगर आपको रेमेडी यूज करनी है, अगर वो आपका बॉडी इनटेक हो या फिर टॉपिकल एप्लीकेशन हो, उसको आपको कंपलसरी 7 days से ज्यादा ट्राई करना ही होगा। पिगमेंटेशन होने के कई सारे रीजन है, उसमें से जो कुछ मेन रीजन है आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला रीजन है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपको PCOD का प्रॉब्लम है, अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर प्रेग्नेंट है, तो उसकी वजह से भी आपके स्किन पर डार्क स्पॉट्स जो पिगमेंटेशन के मार्क्स है वो आ सकते हैं, झाई आ सकती है। मैंने बहुत बार ये देखा है कि थायराइड है बट थायराइड होने के बावजूद भी आप मेडिकेशन प्रॉपर उसका लेते नहीं हो, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट, बिकॉज क्या होता है दोस्तों, जब आपकी कोई भी चीज़ आपके पिगमेंटेशन का रीज़न हो, पिंपल्स रीज़न हो, कोई भी रीज़न हो जो चेहरे के ऊपर ऊपरी परत पर आपको दिखता है, वो एक्चुअली स्टार्ट होता है आपके इनर बॉडी से। तो थायराइड अगर आपको है और आप उसका मेडिकेशन प्रॉपरली नहीं कर रहे हो तो आपको चेहरे के ऊपर दाग आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो अंदर से थायराइड का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली आप लीजिए। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप ले रहे हो तो कंसल्ट करके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लीजिए, बाकी जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज है वो भी सारे रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपका पिगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है। सेकेंड मेन रीजन है कंटिन्यूस सन एक्सपोजर। आप धूप में कहीं बाहर जाते हो, यूवी रेज जो होते हैं डायरेक्टली आपके स्किन सेल्स पर पड़ते हैं और स्किन सेल्स डैमेज होके वहाँ से फिर पिगमेंटेशन की शुरुआत हो जाती है, आपकी स्किन भी टैन हो जाती है, अनइवन टोन आ जाता है स्किन के ऊपर, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट आपके ऊपर पड़ता है। ये तो एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन होता है। और आपको एक दिन में, जैसे आप एक दिन के लिए धूप में बाहर गए और आपको पिगमेंटेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे करके होता है। आप
कंटिन्यूअसली अगर एक्सपोजर है आपके चेहरे पे, सन का एक्सपोजर आ रहा है, वो अल्ट्रावायलेट रेज आपके चेहरे को कंटिन्यूअसली छू रही है, तो ये धीरे धीरे करके ये एक्सपांड होते जाएगा और पिगमेंटेशन का रूप ले लेगा। राइट। तीसरा मेन रीजन है कंटिन्यूअसली लूफा यूज करना, स्किन को स्क्रबिंग करना। हमें आदत होती है हम लूफा बॉडी के लिए यूज करते हैं, वही लूफा हम स्किन के लिए भी, फेस के स्किन के लिए यूज करते हैं, उसकी वजह से भी आपको पिगमेंटेशन आ सकता है। फोर्थ रीजन है हमारा फ्रिक्शंस। अगर आपको फेस वॉश करने के बाद में रफली फेस को वाइप करने की आदत है तो हमें लगता है कि जो काले धब्बे हम दो रोज से स्क्रब करेंगे, वाइप करेंगे, उससे निकल जाएंगे, लेकिन उससे वो और डार्क हो जाते हैं, बल्कि वो जो ब्राउन रहते हैं वो और ब्लैक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन फेस करना पड़ सकता है। करेक्ट। फ्रिक्शन से एक बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज हमें पता नहीं होता है हम स्किन को कितने जोर से रब कर रहे हैं, और या स्किन को हम इरिटेट भी कर देते हैं कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन से, नाखून से स्क्रैच करके, चेहरे को कंटिन्यूअसली टच करके, तो वो भी एक बड़ा रीजन है पिगमेंटेशन होने का। तो दोस्तों हमने जाना है पिगमेंटेशन क्या होता है, कैसे दिखता है, क्यों होता है। अब हम बात करते हैं रेमेडी, उसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जब भी आपको बाहर जाना है, चाहे वो रेनी सीजन हो, समर हो, विंटर हो, आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंटली लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दिन लगाओगे, दूसरे दिन नहीं लगाओगे, तीसरे दिन लगाओगे, चौथे दिन नहीं लगाओगे, तो इसका इम्पैक्ट आपके स्किन के ऊपर पड़ने वाला है। तो ये जो हम बता रहे हैं इसके लिए आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, डेली रूटीन में आपको इन सारी चीज़ों को आपके ऐड करना होगा, और अगर आप डेली रूटीन में इन सारी चीज़ों को ऐड करोगे तो 100% आपको गारंटीड रिजल्ट आएगा। तो ये मिथ है, हमें कभी कभी क्या लगता है कि हम घर पे ही बैठे हैं तो सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ तो मैं सनस्क्रीन क्यों लगाऊं, या मैं बाहर नहीं जा रही हूँ तो मैं सनस्क्रीन क्यों लगाऊं। लेकिन घर के अंदर भी मोबाइल के, हमारे हम मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो वो ब्लू रेज जो होते हैं, ब्लू लाइट जो होता है, उसकी वजह से भी हमें पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए डेली मॉर्निंग में फेस वॉश के बाद में आप सनस्क्रीन लगा लीजिए, उसका एप्लीकेशन यूज कीजिए, SPF 30 एंड अबव का जो सनस्क्रीन का प्रोडक्ट होगा, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है उसी को आप यूज कीजिएगा। लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से भी आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए सबसे ज्यादा हमें जरूरी होता है कि हमारा डाइट प्रॉपर हो। अगर आपका डाइट प्रॉपर है, आपके पेट में अच्छा डाइट जाएगा, तो वो आपके स्किन के ऊपर दिखेगा, आपकी स्किन और ग्लो करेगी, और ये सभी प्रॉब्लम जो हम अभी डिस्कस करें वो उसको आपको फेस भी करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। अभी सीजनल फ्रूट्स में क्या आता है, जिसकी वजह से आपके स्किन को ग्लो आएगा। विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स खाइए, जिसमें आंवला है, नींबू है, ऑरेंजेस है, कीवी है, ग्रेप्स है। दोस्तों अगर हमारी बॉडी अंदर से अगर हेल्दी है तो उसका इम्पैक्ट हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखिए कोई भी हेल्दी लोग होंगे जिनका न्यूट्रिशन प्रॉपर है तो उनके चेहरे पर ग्लो, एक स्किन लाइट, वो आपको इमीडिएटली नजर आएगा, वो आपको दिख जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि किसी किसी की स्किन क्या होती है, बहुत ज़्यादा लाइट करती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टोन होता है उसका, और अमेजिंग स्किन उनकी दिखती है। वैसी अगर अमेजिंग स्किन आपको चाहिए तो डाइट प्रॉपर कीजिए, अच्छा अच्छा खाइए। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर है, आप अच्छे से नींद ले रहे हो, तो अपने आप दूसरे दिन उठने के बाद में ना आपके स्किन के ऊपर वो ग्लो दिखाई देता है। जिस दिन आप भी सोच सकते हैं, जिस दिन आपकी नींद ठीक से नहीं होती है, दूसरे दिन जब आप उठते हो तो आपकी स्किन पूरी डार्क हो जाती है, थकी हुई लगती है, डल लगती है। तो स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप एटलीस्ट प्लान करके आपके रूटीन में उसको इंक्लूड कीजिएगा। महीने में एटलीस्ट 30 दिनों में से कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट 20 से 25 दिन प्रॉपर स्लीप ले पा रहे हो। उसके बाद में जरूरी होता है कि आपके बॉडी को आप हाइड्रेट रखें। इसके लिए हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो स्किन ड्राई हो जाएगी, ड्राइनेस की वजह से और डल हो जाएगी, जो पिगमेंटेशन के मार्क है जो वो और पक्के होते जाएंगे। इसके लिए हमें जरूरी होता है हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, अलार्म लगा के रखे चाहिए तो पानी पीने के, लेकिन पानी पीना बहुत जरूरी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, हमें डेली रूटीन में आपको एक 30 मिनट्स का एक्सरसाइज आपके डेली रूटीन में ऐड कर दीजिएगा। एक्सरसाइज आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होगा, आपका ही फायदा। देखिए एक्सरसाइज करेंगे, अगर वेट लॉस करना है तो वेट लॉस कर सकते हो, फिजिकल फिटनेस बढ़ाना है तो फिजिकल फिटनेस बढ़ाते हो। एक्सरसाइज से सबसे दूसरा फायदा क्या हो जाता है कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली स्वेट करती है, तो आपके चेहरे के जो पोर्स है जो ब्लॉक हो गए होंगे, तो स्वेटिंग की वजह से वो पोर्स ओपन हो जाएंगे और उसमें से जो डर्ट है, डस्ट है, वो आपका बाहर निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पिगमेंटेशन में ये आपको हेल्प करेगा। अभी हम बात करने वाले हैं रेमेडी के बारे में, वो मैजिकल फेस पैक के बारे में।
और अगर आपको अभी तक ये वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ में, और वो रेमेडी यूज करने के बाद में कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, हमें बताइएगा कि उसका इम्पैक्ट आपके फेस के ऊपर कैसे हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि आपकी स्किन लाइट हुई है कि नहीं, पिगमेंटेशन के जो डार्क स्पॉट्स है आपके वो चेहरे के गए हैं कि नहीं है, और आपके चेहरे के ऊपर स्माइल फिर से वापस आई है कि नहीं आई है। रेमेडी नंबर 1 टीस्पून दही लेना है हमें, 1 पिंच आपको हल्दी लेना है, उसे मिक्स करना है, और आफ्टर योर फेस वॉश फेस को क्लीन करना है, उसके बाद में इसे अप्लाई करना है स्किन के ऊपर 20 मिनट्स के लिए पैक हमें रखना है, उसके बाद फेस वॉश करना है क्लीन वाटर से। वो वॉश करने के लिए हमें फेस वॉश का यूज नहीं करना है, सोप का यूज नहीं करना है, और सबसे मेन बात ये जो रेमेडी हमें यूज करनी है ये आपको नाइट के टाइम पे यूज करनी है, इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि दिन भर में हमें टाइम नहीं मिलता है करने के लिए, इवनिंग के टाइम पे नाइट के टाइम पे हम थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, फ्री होते हैं, तो 10-15 मिनट लगने वाले, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, आप आराम से ये कर सकते हो। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी की, एक दिन लगा दिया और दूसरे दिन सोच लिया कि इमीडिएटली आपको रिजल्ट आ जाएगा और पिगमेंटेशन आपके निकल जाएंगे, तो नहीं होगा। एटलीस्ट मिनिमम आप इसको 7 डेज के लिए ट्राई कीजिए। ट्राई करते टाइम पे क्या करना है, एक नॉर्मल आपका एक सेल्फी पिक्चर ले लीजिए जहाँ पे आपको फर्स्ट डे का रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। डे 1 से लेकर डे 7 तक अपने आप को मॉनिटर कीजिए कि इसमें आपके स्किन में चेंजेस क्या हुए हैं। मैं गारंटीड आपको हम बताते हैं कि आपके स्किन के जो पिगमेंटेशन के जो डार्क स्पॉट्स है वो धीरे धीरे करके लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक लॉन्गर पीरियड में डेली रूटीन में आप अगर इसको इंक्लूड करोगे तो आपको अमेजिंग 100% गारंटीड रिजल्ट इसके मिलने वाले हैं। दही में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमारे स्किन को लाइट करने का काम करता है। टर्मरिक है सेकेंड इंग्रेडिएंट हम जो यूज करने वाले हैं इसमें, या एंटीसेप्टिक होती है जो स्किन के जो बैक्टीरियाज है उसे किल करेगी, ऊपर से आपके अगर स्किन पे कोई इनप्योरिटीज है उसे भी निकालने का काम करेगी। तो दोनों भी चीजें हैं जो आपके स्किन के लिए बेनिफिशियल है, डार्क स्पॉट्स के लिए स्पेशली है, तो आप आराम से यूज कर सकते हो। और दोस्तों ये फेस पैक बनाने के लिए कुछ भी महंगे एक्सपेंस करने की आपको जरूरत नहीं है, ये दोनों चीजें आपके घर में है, फ्रिज में आपको दही 100% मिल जाएगा, और आपको टर्मरिक तो डेली यूज में होता है, किचन में होता ही है, तो महंगे महंगे फेस पैक्स बाहर जाके फेशियल करने की जरूरत नहीं, घर पे बैठे बैठे टीवी देखते देखते बिंग वॉच करते करते आप इसको यूज कर सकते हो, आपको अमेजिंग रिजल्ट 100% इसके आएंगे। तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा रिजल्ट्स कैसे आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा रेमेडी के बारे में, और आपको कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसको आप फेस कर रहे हो और उसका सोल्यूशन आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, साइनिंग ऑफ अमर गोप्टे, अनु गोप्टे, जय हिंद।